उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट से सांसद तीरथ सिंह रावत को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाने का पार्टी ने फैसला किया है, लेकिन उत्तराखंड के लिए ये कोई नई बात नहीं है। उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास पर नजर डाली जाए तो एनडी तिवारी को छोड़कर प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। ग्राफिक्स के जरिए अब हम आपको बताएंगे कि कैसा रहा उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का कालखंड। मुख्यमंत्रियों का सफर आया राम गया राम जैसा रहा। कांग्रेस के एनडी तिवारी को छोड़कर किसी ने भी 5 साल पूरे नहीं किए। कांग्रेस बीजेपी के किसी भी सीएम ने 5 साल पूरे नहीं किए। बीजेपी के नित्यानंद स्वामी 9 नवंबर 2000 को पहले सीएम बने। उनतीस अक्टूबर 2001 को स्वामी ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। 30 अक्टूबर 2001 को भगत सिंह कोश्यारी सीएम बने। और सीएम की कुर्सी पर 1 मार्च 2002 तक ही भगत सिंह कोश्यारी रहे। भगत सिंह कोश्यारी महज 123 दिन के मुख्यमंत्री वहां पर रहे। ..2002 से 2007 तक कांग्रेस के एनडी तिवारी सीएम रहे। 2007 से 12 में 5 साल में बीजेपी ने राज्य में 3 सीएम बदले। 2009 से 11 तक रमेश पोखरियाल सीएम रहे, जो फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं। 2011 से 12 तक खंडूरी को सीएम बनाया गया। 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत से जीत हासिल की, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में यहां भी 2 बार सीएम बदले। ..13 मार्च 2012 को कांग्रेस के विजय बहुगुणा सीएम बने। और 1 फरवरी 2014 को हरीश रावत मुख्यमंत्री बने। 2016 में राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। कोर्ट से राहत के बाद हरीश रावत फिर सीएम बने। 2017 में बीजेपी के त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम बने। पार्टी में बगावत से रावत की सीएम की सीट भी छिन गई और अब जो मुख्यमंत्री के लिए नाम सामने आया है वो तीरथ सिंह रावत का आया है। तो भाजपा आलाकमान कई बार बदलाव कर चुकी है और अब फिर देवभूमि में बदलाव के बयार।